बेहतरीन है भैया, अच्छी तरह से व्यवस्था बनवा भैया। ये जो जाति का जहर है, जो जाति दी जाती है वो कैसे काम करती है और उसका कैसे असर होता है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा अच्छा भी लगेगा। भगवान बुद्ध या उसके समय से पहले कोई जाति थी ही नहीं। और ये जो चमार शब्द है, जिसको चमार जात या चमार जाति बोलते हैं, चूड़ा चमार चामर बोलते हैं, ऐसा कोई भी शब्द नहीं था। भगवान बुद्ध के समय में उनके पाली के इतिहास में आपको जान के हैरानी होगी कि जिस जाति का जिक्र आज पूरे भारत में होता है वो एक भी जाति उसमें नहीं है। तो जातियां बनी कैसे, जातियां आई कैसे और जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर आपको ये पता चल जाए कि जाति कैसे बनी और कैसे ये जातियों का जहर बना, तो आपको जाति का जहर खत्म करने में बहुत आसानी होगी। और पलक झपकते ऐसे ही आप यहाँ से जाति खत्म कर जा सकते हैं। जो ये चमार शब्द है, ये पाकिस्तान और ईरान से लेके बर्मा तक मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा चमार शब्द के लोग या चमार जाति के लोग हैं, ये आपको पता नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में जब आग आई और आग थोड़ी शांति वाले सब कोई बाद में बोले, क्योंकि आज आपकी जाति खत्म होने वाली है, बिल्कुल शांति, एक भी आदमी नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांति बना ले। आज आपकी जाति खत्म करके यहाँ से होगी, ये साहित्य में लिखा हुआ है, आपको किसी ने बताया नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल शांति कोई नहीं बोलेगा। जब 10 साल का मैं था और छोटा बच्चा था, तो मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ में, बिजली हमारी खराब हो गई तो पिताजी ने कहा कि बिजली वाले के यहाँ जाके कंप्लेंट लिखा दो। मैं बिजली वाले के यहाँ कंप्लेंट लिखाने छोटा था, मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के मस्ती से जा रहा था। हमारे घर में कोई कमी नहीं थी, संगमरमर मार्बल के हमारे घर रहे व्यापारी लोग हैं। ये घर में गेट पर जो लोग चुप होकर सुने, हमने जाति खत्म नहीं होगी। तो जब वहां हमने कंप्लेंट लिखाई तो उसने पूछा कि ये किसके बच्चे हैं, नया घर डाले आया था। उसने कहा लेखरा सिंह के बच्चे हैं, लेखरा सिंह हमारे पिताजी का नाम है। तो उसने कहा कौन लेखरा सिंह, वो तो जानता था। उसने अंग्रेजी में कहा शू मेकर। मैं छोटा था, अंग्रेजी नहीं जानता था, भाई का थोड़ा सा चेहरा लाल हो गया शू मेकर सुन के। मैंने पूछा भाई इसने क्या कहा, जो मुझे गुस्सा आ गया। भाई मेरा हाथ पकड़ के बोले चल, बोले इसने अंग्रेजी में हमें गाली दी, इसने हमें कहा शू मेकर है, जूते बनाने वाले। मैंने कहा हम तो जूते नहीं बनाते, हम तो व्यापारी हैं। कह रहे ये मानसिक खेल है, कोई नहीं समझेगा, छोटा है चल। ये बात मुझे आज तक याद है कि एक छोटा सा शब्द कैसे काम कर गया। और इस बात को मुझे समझने में 42 साल लगे कि ये चमार शब्द काम कैसे करता है, ये अहिर लोधी या जो चौधरी शब्द है वो काम कैसे करता है। ध्यान से सुनना, ये बीमारी आज यहाँ से आपकी कट के जाएगी, आपके सीने पड़ के जाएगी, आप खून के जाओगे, क्योंकि वो चीज साहित्य में नहीं है जो आपको ठोकी गई, जो आपको दी गई। चमारों की सबसे बड़ी तादाद इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर जब आग आई तो आग आने के बाद में दो काम मनुष्य ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किए। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत काम आएगा। तो आज जो लोग थे वो ये तो जंगल में जाके जानवर को मारते थे, जानवर से लड़ते थे, उसका अंडा लेके आते थे, उसका मांस या दूध या दूसरा काम हमारे लोग करते थे कि जंगल में जाके जंगल में लकड़ी लाना, घास लाना, फल लाना, फूल लाना, ये दो काम थे। इन दो कामों के अलावा दुनिया में कोई काम नहीं था। इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक काम था वो जंगली जानवरों को मार के खाल लाना। उस समय तक कपड़ा नहीं था तो जिसके पास में ज्यादा चमड़ा होता था, जिसके पास में ज्यादा चमड़े की चादरें होती थी, वो बहुत मालदार होता था। उसका सीना बड़ा होता था, उसकी बड़ी इज्जत होती थी, वो मुखिया होता था, क्योंकि बहुत जुझारू काम था चमड़ा लेके आना। और चमड़े के उत्थान के थान को उस समय पाली भाषा में चीवर कहते थे। चीवर शब्द भगवान बुद्ध से पहले का शब्द है। और ये जो चीवर वाले लोग थे ये बड़े रईस और मालदार, बड़े ज्ञानी होते थे और बहुत ही इनका अभिमान और स्वाभिमान बड़ा होता था। जंगल में काम करने वाले, जंगल में पानी को अरियन बोलते हैं, अरियन से अहिर भी बना है। जंगल में काम करने वाले जो लोग थे ये काम कम रिस्क
इस्तेमाल कर रहे हो जाएगा तो भारत में जब ये लोग और 99% हम लोग थे जो हम मूल निवासी लोग यहाँ के लोग जिनको चीवर वाला लोग बोलते थे। ये चीवर शब्द और चीर शब्द पाली में मिलता है, भगवान बुद्ध के इतिहास में मिलता है और पूरा पाली खोदने के बाद एक सिंगल वर्ड भी चमार का नहीं मिलता। एक सिंगल वर्ड नहीं है वहां पे जो लिखा हो कि चमार है, पूरा चीवर है। वो चीवर किस लिए है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए और लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपना अच्छा कपड़ा सोच लिया, क्योंकि कपड़ा बनना शुरू हो गया, कपड़ा छोड़ के और उन्होंने जीवन जो उनका राशि कपड़ा था उन्होंने कूड़े के ढेर से कपड़ा पीना और उसका एक चादर बनाई, उसको चीवर बोलते। आज हम चादर बोलते हैं, उस समय चीवर बोलते। तब चीवर की मान्यता बहुत ज्यादा हो गई और उन्होंने जगह जगह जाके सबको पढ़ाना शुरू किया। चलती फिरती मोबाइल यूनिवर्सिटियां और स्कूलों की बाढ़ आ गई और बिहार में तो इतने स्कूल बन चुके, हम बिहार बोलते थे क्योंकि वो जगह जगह क्या बिहार बनाते थे, बिहार में तो इतने बिहार बनाए उन्होंने कि उसका नाम ही बिहार पड़ गया। वो आज तक भी बिहार है, वो हमारे स्कूलों की जगह है। और उन सबको एक तरह की चादर पहनाई। तो ये चीवर यहाँ पहने हुए हैं सारे के सारे ऐसे। और कैसे रंगते थे? सारे सारे पेड़ की छाल से रंगते थे एक साथ। तो पढ़ाने वाला भी वो चीवर पहनता था और पढ़ने वाला भी। और अशोक के समय तो इतना ज्यादा चीवर की मांग हो गई, इतनी ज्यादा उसका सम्मान हो गया कि अगर कहीं सूखा हुआ कपड़ा टंगा हुआ चीवर मिल जाए तो लोग उसको भी कहते थे कि यहाँ कोई विद्वान है, यहाँ कोई जानकार है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा है, इसलिए उसको सम्मान मिलता। तो भगवान जब चीवरों का चारों तरफ चलन हो गया और चीवरधारी हो गए सारे, तो चीवरधारी को चौधरी कहने लगे। चौधरी मतलब जो चीवर धारण करता है और जो बोधी को जगाता था उसको लोधी होने लगा। वो आज का जो लोधी है उसको उस समय का बोधी बोलते हैं। और जो अर्हत के वंशज थे, जो अर्हत ज्ञानी थे, उनको अहिराज के रूप में बोला जाता है, वो अहिर है। और जो अरहर शब्द है जिसको आप भरहर बोलते हैं वो भी अरहर से बना हुआ शब्द है। ये पाली में आपको एक 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 करके मिलेगा, क्योंकि जो पंचशील का वास करता है, जो पंचशील में रहता है, पंचशील के वासी को पासी बोलते हैं या पासवान बोलते हैं। और जो अटकर होता है, अट्ठावी मार बनाता है, उसे खटी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो एक अवस्था ऐसी आई कि उनका पूरा का पूरा शरीर हवा में घूम गया। वो ऊंची अवस्था थी ज्ञान की और पूरा शरीर हवा में घूमने को पाली में बोलते हैं भंग होना, शरीर का भंग होना। ये पाली का वर्ड है भंग। और जो उस शरीर को भंग करता है, भगवान ने सबसे पहले भंग किया उसको, तो उन्होंने कहा कि भंग ज्ञान। और भंग ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं भंगी। ये भंग शब्द पाली का शब्द है जिसको बाद में ज्ञानी बनाया, क्योंकि वो जो भंग ज्ञानी लोग थे वो जीवरधारियों में से थे मगर बड़े ज्ञानी थे, उनका ज्ञान बहुत बड़ा था, इसलिए बाद में शब्द को गाली भी ज्यादा बनाया। जो भंग ज्ञान शब्द है ये पाली का शब्द है और कहीं नहीं है, इसलिए क्योंकि सफाई का काम भगवान के समय में नहीं था। ये बात ध्यान रखना कि साफ सफाई का काम भगवान के समय में ना सड़कें थी, ना उस समय में कोई ऐसी सफाई का रोजगार होता था, ना सफाई की कोई व्यवस्था होती थी और ना ही कोई जात, कोई जाति ही नहीं। तो जाति का चलन जो आया वो अचानक से आया। आप अगर आज के संस्कृत के साहित्य में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत साहित्य में भी चमार शब्द नहीं है। तो चमार शब्द अभी जल्दी में आया हुआ शब्द है। ये चमार शब्द है मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वो चीवर से बने हुए शब्द है। चीवर से जो चावल है, जो चंड है, जो प्रचंड है, जो चूड़ा है, जो चम्मल है, क्योंकि तो चंड प्रचोट नाम का राजा अवंती के समय में हुआ। अवंती राजा भगवान के जिलों में था, उसका नाम था चंड प्रचोट। किसी राजा का नाम अगर चंड है तो इसका मतलब है कि चंड का कोई मतलब है। और चंड का मतलब है पाली में चंड, चंड का मतलब है चतुर्योग का गुण है। इसलिए चंड प्रतिरोध का मतलब है चतुर प्रतिरोध माने जो आग जलती है। राजा का नाम चंड प्रतिरोध है। तो जितने भी आपके नाम हैं और जितने भी आपकी जातियां हैं, ये कमाल की बात है कि ये आपके शौक रहे, ये आपकी वीरता है, ये आपकी एजुकेशन है। तो मनोविज्ञान क्या कहता है भगवान बुद्ध का? ये कमाल की बात है कि भगवान के बुद्ध से ही इन सब चीजों को, भगवान के समय से इन सब चीजों को, उनकी शिक्षाओं को सीख के इसको
धर्म चक्र उल्टा करने से एक मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा सारा व्यापार और हमारी सारी सांझी और हमको निकम्मा बनाने की प्रक्रिया आरंभ की। हमसे क्यों डरते हैं, हमसे क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर आप जरा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। एक लोग वो रहते हैं जो भारत के अपने हैं, ओरिजिनल हैं, उनकी सभ्यता अपनी है, उनकी कल्चर अपनी है, उनका रहन सहन अपना है, उनका खान पान अपना है, उनकी भाषा भी अपनी है। और एक वो लोग हैं जिनका आज तक भी रहन सहन, खान पान, उनका रख रखाव वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल दूर है, और वो ना हमसे मिल सकते हैं और ना हम उनसे मिल सकते हैं। लगभग 99% लोग उस समय थे, उनकी जनसंख्या बढ़ी और हमारी थोड़ी सी कम हुई, तो आज हम 15-85 से आ गए। मगर हम दोबारा से सीखते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ सीखना है, क्योंकि हमारे घरों में जो बुद्ध धर्म है वो बहुत पुराना है और बहुत पहला है। आपकी माता जो है, जो आपकी बूढ़ी माँ है, वो क्या कहती है, पैया पढ़ू, ऐसा बोलती है ना, पैया पढ़ू, भैया इसके पैया पढ़ जा। ये पैया शब्द पाली का है, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। ये प्रज्ञा शब्द भगवान बुद्ध ने दिया, जो समझ से बड़ा होता है। ये ऐसी समझ होती है कि आदमी को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये आदमी या ये औरत क्या चाहती है और क्या इसका मन है। ऐसे ही आपने अभी देखा होगा जो महान लोग हैं, जो इसके महाराज के महारे, जो भगवान बुद्ध ने मार को हराया, वो सारे लोग महारवंशी हैं सारे लोग। और ऐसे ही हमारे बंगाल के अंदर परिया लोग हैं जो पैया को मानते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी शादी के समय एक पंजा लगा दिया उन्होंने हल्दी का, जब शादी है पुराना देखा होगा ना, हल्दी का पंजा लगाते हैं। पंजा का मतलब है कि इस घर के अंदर पंचशील के लोग मानने वाले हैं और पंचशील चलता है। आपने देखा होगा कि दो हाथ का पंजा लगाते हैं, पुरानी परंपरा है हमारी। दो हाथ का पंजा का मतलब है कि हम 10 पारमिताओं के भगवान बुद्ध के 10 नियमों को मानने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा होली पे एक गोल चक्र गोबर का बनाती है हमारी माता बहन, गोल चक्र बना के और उसे आग में डालती है। वो बताती है कि हमारा पुराना जो चक्र है, धर्म चक्र है, हम उसको भूले नहीं है, हम उसको जानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर एक सातिया बनता है, सातिया जो बनता है वो बताता है कि ये हमारा चार आर्य सत्य है। आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर दीवारों के अंदर एक गोल चक्र बनाती है जिस पर ये लिखा होता है कि ये घर हमारा भगवान बुद्ध ने सुरक्षित किया होगा। आपने देखा होगा कि हमारे लोगों को कहते हैं कि ये 3-5 बहुत करता है। हमारे लोग आज भी बहस बहुत करते हैं, 3-5 बहुत करते हैं, कि 3-5 का मतलब है कि हमारे लोग जो कुली रत्न को और पंचशील को बहुत मानते हैं और वो जानते हैं। और आज भी वो लोग 3-5 वाले लोगों से बहुत घबराते हैं कि इससे बात मत करो, ये 3-5 वाला आदमी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं, अरे ये तो चक्कर में पड़ गया, ये जो आदमी है चक्कर पड़ गया, इसके इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका हट जाओ, ये चक्कर में पड़ना क्या है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र में पड़ना, धर्म चक्र समझना। ये बातें छोटी छोटी जितनी भी हैं ये बड़ी कमाल की हैं, क्योंकि हमारे लोग जात लगाने बहुत जाते हैं। आपने देखा होगा पीले कपड़े पहन के जात लगाने जाते हैं, वो जात लगाने जाते हैं, साधना करने जाते हैं और बुद्ध के जाति और जरा सिद्धांत को सीखने जाते हैं। ये बुद्ध धाम और ये बुद्ध की पद्धति और ये बुद्ध का सारा सिद्धांत हमारे पूरे देश के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं, हमारी सभ्यताएं हमारे साथ हैं, हमारी चीजें हमारे साथ हैं। और कोई ये कह रहा है